और वाकई में यहाँ मंजुला जैसे लेवल की खिलाड़ी है, ये भी है क्योंकि यहाँ पर दोनों ही टीम बड़ा ही अच्छा खेलते हैं। और मैं यहाँ देख रहा था जैसे कोई चक्कर नहीं है, बाकी भी पूरा यहाँ प्रेशर क्रिएट किए हैं साहेब बंजी जी पर। और साहेब बंजी जी जैसे यहाँ पर मंजुला मैदान पर जैसे सारा गया है उनके उतरने के बाद यहाँ पर पूरा सा मजबूत लग रहा है मुझे। और यहाँ पर जिस तरीके से मंजुला को मौका मिला था लेकिन वो बॉल नहीं कर पाए, और यहाँ पर देखता है मंजुला क्या कर पाएंगे, लेकिन इसी के बीच में वहाँ
और बार्सल में ये बताना चाहूँगा, थोड़ा बताने में जितना चिपक में ये बता पाए, ये पाकुड़ की टीम जो मुख्यमंत्री अमर सिंह फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा था, तो ये पंचायत से लेकर प्रखंड और प्रखंड से लेकर जिला लेवल में अच्छा प्रदर्शन के साथ ये टीम जुनून के लिए दुमका गई है। और दुमका में जुनून दुमका में ये मुख्यमंत्री अमर सिंह फुटबॉल क्लब का जुनून कैप्टन बनी थी, वहाँ ये दुमका को 2-0 से हराकर इस मैच पर जीती थी। लेकिन उसका जो रणनीति था वो साहेब लग रही थी, अच्छा खेलने आया था। और खास करके खुशी की बात ये कि दुमका पापुस टीम का टीम मैंने शुरू में मैं खुद यहाँ से लेकर राज्य तक किया था, तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा इसको आपका हेल्प करने का उद्देश्य से इस विषय से जुड़ा था। अरे बोलो ना, पहले और मैं चाहता हूँ कि आसपास क्षेत्र के भी बच्चों से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी अगर फुटबॉल के क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ दोनों की मैं आप जिस टीम से भी जुड़ना चाहते हैं आप जुड़िए, इनके साथ रहिए, प्रैक्टिस कीजिए और कहीं ना कहीं आप अपने क्षेत्र के अपने माँ बाप के गुरुजनों के नाम बालिका के पूरा मैच होना इतना रोमांचक होना है। देखिए सेमीफाइनल का खत्म खेल खत्म होता है, दर्शक अपने अपने घर की ओर प्रस्थान होते हैं, लेकिन यहाँ दर्शक यहाँ से कोई घंटे हुए तो ये कहीं ना कहीं तो मैं पुनः एक बार चाहूंगा कि हमारे आसपास की जितने भी महिला हैं, जितनी भी माता बहने हैं, वो भी अपने पति को फुटबॉल के क्षेत्र में खेल के क्षेत्र में जरूर मोटिवेट करें, उनको आगे लाएं ताकि कम से कम अपने जिले का नाम, अपने प्रखंड का नाम, अपने गांव समाज का नाम जरूर रोशन कर सके। आज ये बच्चियां पूरे झारखंड में नाम अपना प्रसिद्ध कर चुकी है बाबूराम साहेब ने जी की। तो मैं चाहूंगा कि इस क्षेत्र में बहुत से खिलाड़ी हैं जिसको तो सही ब्लड परम नहीं मिल पाता है, या तो उनकी मम्मी पापा या तो गार्जियन उनका उनको सपोर्ट नहीं करता, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको जरूर सपोर्ट कीजिए, उनको आगे लाइए और इस तरह के ग्राउंड में उन्हें भी खेलने का मौका दीजिए। जी नवाजिल जब बोला बोल तो कुड़ी की तरफ को सपोर्ट कर और ये देखिए तो बाबू ग्राउंड में तो बाबू और दिल का है बोल का दिल से मन किया कि दो 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 और कुड़ी की तरफ को अरे ये जैसे ना ना बोल और ये जब बोल का दिल है और बॉडी का है और जब बोल का बॉडी जो रहता है ताकि आपके घर में भी बेटी बहन है आप उनको सपोर्ट कर पाएंगे। यहाँ पर सुहानी सोरेन जो अभी फिलहाल पापुर के टीम से खेलने भी नजर आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये खिलाड़ी साहेबगंज से ज्यादा मैच खेलते भी हम देखे हैं। और मैं किसी बात से बताऊंगा कि टीम से ऐसी खिलाड़ी है जो कि कुछ दिन पहले सिलेक्शन हुआ था रांची में, उसमें से वो खिलाड़ी 11 नंबर गुलाबी थी उसका भी सिलेक्शन किया गया था फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से। उसके बाद दुमका से एक महिला जो अभी कुछ क्षण पहले वहां मैदान पर उतरी है और राजधानी जो खिलाड़ी का सिलेक्शन किया गया है और तीनों ने लाजवाब प्रदर्शन दिखाया है। जिस ग्राउंड में इसे मौका मिला है माफ भी अंजाम को अपने टीम के फायदे के लिए काम किए।